नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्टरी चल रहा है और यह टेस्टरी संख्या 30 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेस्टरी संख्या 30 है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके बाद आप लोग को 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो लोग गंभीर हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। प्रश्न एक देखिएगा, मातहतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भूस्वामी अभिजात वर्ग के थे, ये जो मातहत होते थे ये क्या होते थे, ये भूस्वामी अभिजात वर्ग के थे, बिल्कुल सही है। ये इन्होंने सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। 12वीं से 14वीं सदी के बीच में पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और शासन व्यवस्था का उदय हुआ जिसे मातहत या फ्यूड समाज कहा जाता है। ये राजा के अधिक शक्तिशाली और वफादार सामंत सरदार होते थे। इन्होंने भूस्वामी अभिजात वर्ग को जन्म दिया था। इन्होंने सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया जिसमें अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। इस वर्ग की स्थिति वंशानुगत थी। प्रश्न 3 देखिएगा, अरब आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। इनकी सेना विकेंद्रीकृत होती थी, सही है। इन्होंने युद्ध में लोहे के रकाब का इस्तेमाल किया था, सही है। इन्हें यह साज का उपयोग करते थे, यह भी सही है। इन्होंने भारत में रकाब बनाने का कारखाना खोला था, यह सही नहीं है आपका, विकल्प डी आपका गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो यही डी आपका असत्य है। अरबवासी भारत में घोड़े और सैनिक संगठन की प्रणाली लाए। अरबवासी क्या लाए, घोड़े लाए और सैनिक संगठन की प्रणाली लाए, ठीक है। यह अश्वारोही लड़ाई के कारण बने। इन्होंने भारत में रकाब का कारखाना नहीं खोला था, यही आपका तीसरा चौथा कथन जो है यही आपका सत्य है, बाकी सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली है, सही है। भारत में दशमलव प्रणाली 5वीं सदी में विकसित हुई। 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली था जो कि 9वीं सदी में अरब पहुंचा था। भारत में 5वीं सदी में इस प्रणाली का विकास हुआ था। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल फारिज़्मी ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया, ठीक है। भारत में गणित प्रणाली की शुरुआत हुई थी, दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत से अरब यह ज्ञान पहुंचा और अरब से जाकर यूरोप पहुंचा। अरब में गणितज्ञ थे अल फारिज़्मी, इन्होंने अरब में लोकप्रिय बनाया था इसको। 12वीं सदी में एक ईसाई मठवासी अबेलार्ड के माध्यम से यह यूरोप पहुंचा था। तो इन दोनों लोग के नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 देखिएगा, तांग साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अधीन 8वीं से 9वीं सदी के बीच चीन का समाज और संस्कृति प्रगति पर थे। यह मध्य एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन और जेट पत्थर से बनी चीजों का भारत में यूरोप में निर्यात करते थे। तो देखिए, तांग साम्राज्य जो चीन का तांग साम्राज्य है वह पहला कथन भी सही है कि 8वीं से 9वीं सदी के बीच में चीन का समाज और संस्कृति प्रगति पर थी, यह तांग साम्राज्य के बारे में सही है। दूसरा जो है, यह मध्य एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन और जेट पत्थर बनी चीजों का भारत व यूरोप में निर्यात करते थे, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तांग शासन के अधीन 8वीं से 9वीं सदी के बीच में चीन का समाज और वहां की सांस्कृतिक प्रगति की चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने मध्य एशिया में शिक्यांग और काशगर तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन शासकों ने रेशम मार्ग से जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार में काफी बढ़ोतरी की थी। यह उत्तम कोटि के चीनी मिट्टी के बर्तन और जेट पत्थर नाम पत्थर की पच्चीकारी वाली चीजें पश्चिमी एशिया और भारत को निर्यात करते थे, यह भी आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, शैलेंद्र साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनका चीन के साथ होने वाले समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था।
इनका चीन के साथ होने वाले समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था, सही है। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, सही है। इनकी राजधानी पालेमबांग थी, सही है। चोलों के साथ इनके करतारपुर संबंध थे, ये आपका सही नहीं, विकल्प डी। ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है। शैलेंद्र शासकों के चोलों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे, चोल शासक राजराज ने इनके साथ व्यापारी संबंध कायम रखे, ये महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन शासकों ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ बनवाया था। अनुरोध करने पर आर्यन प्रथम ने मठ के खर्च के लिए गांव का अनुदान दिया, तो यह बातें सब सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, बोरोबुदुर का मंदिर किसे समर्पित है? तो बोरोबुदुर का जो मंदिर है वो भगवान बुद्ध को समर्पित है, विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, शैलेंद्र शासकों ने सुमात्रा के निकट पालेमबांग में अपनी राजधानी बनाई थी, जो पहले से ही संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था। इन्होंने बोरबुदुर में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनवाया था, इसे 1974 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो 1974 में बोरबुदुर के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यह भी पूछेगा अगर कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था बोरबुदुर मंदिर को, तो यह 1974 में। प्रश्न 8 देखिएगा, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इन्होंने कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर बनवाया था। ये जो अंकोरवाट मंदिर है वह हिंदू धर्म का मंदिर है और भगवान विष्णु को समर्पित है ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इन्होंने मंदिरों पर महाभारत और रामायण के दर्शन भी करवाए थे, सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जो कि 15वीं सदी तक कायम रहा। इस साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने मंदिर निर्माण 10वीं सदी में आरंभ किया और 15वीं सदी तक चलता रहा, क्योंकि प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए एक के बाद एक मंदिर बनवाते रहे। इन्होंने छत्तादार गलियारा बनवाया, जो देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियों से सजे हुए थे, और इन चौखानों में महाभारत और रामायण के दृश्य भी अंकित थे। प्रश्न 9 देखिएगा, सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है, विकल्प बी जो है आपका सही है। सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान संबंधित है, इसके रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट है। प्रश्न 10 देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बैतुल हिकमत का क्या संदर्भित करता है? बैतुल हिकमत क्या है? यह एक ज्ञान गृह है, बैतुल हिकमत जो है यह ज्ञान गृह है। खलीफा अल मैमून ने यूनानी, बैजंतिया और मिस्र, ईरानी और भारतीय इत्यादि सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा अनुवाद करने के लिए बगदाद में बैदुल हिकमत की स्थापना की। ये बैदुल हिकमत जो है एक प्रकार का पाठशाला था, ठीक है। बैदुल हिकमत का क्या मतलब होता है? ज्ञान गृह। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बगदाद में हुई थी, बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? अल मैमून, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोग का। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएससी टीजीटी पीजीटी के लिए। प्रश्न 11 देखिएगा, सर्पडम से संबंधित है? सर्पडम से संबंधित है कृषि दासता से संबंधित है, कृषक दासता से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिएगा, यूरोप में सामंती व्यवस्था की 2 विशेषताएं थी, जिसमें पहली सर्पडम कृषि दासता की प्रथा थी, मतलब किसी को कृषिदास बनाकर रखना। दूसरी मेनर की व्यवस्था थी, यह वह इमारत या दुर्ग होता था जहां लाड रहता था। मेनर का मतलब होता था जो जमींदार होते थे उनके घर को मेनर कहा जाता था, ठीक है। प्रश्न 12, कंपास है, कंपास आप जानते हैं दिशा सूचक यंत्र को कंपास कहा जाता है, भी सही है आपका। कंपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया था, जो 9वीं से 10वीं सदी के बीच अरब सागर में से होकर यूरोप पहुंचा था। यह एक दिशा सूचक यंत्र है कंपास। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए, टोकिन जो पुराना नाम है उत्तरी वियतनाम का, दक्षिण वियतनाम का पुराना नाम अनाम, श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम जो है श्याम है, तो कौन सा सही सुमिलित है? तो इसमें तीनों कथन सही है, विकल्प डी। तीनों उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम और थाईलैंड के पुराने नाम है। व्याख्या देख लीजिएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। 13वीं सदी में मंगोल ने चीन पर शासन किया। इन्होंने टोकिन, देखिए मंगोलियों, मंगोलों ने क्या किया था, चीन में शासन किया था, कब? 13वीं सदी में, ठीक है। तो उन्होंने टोकिन और अनाम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, और उत्तरी कोरिया को जीतते हुए उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276।
हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज है जो आप लोग को दी जा रही है। पीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद आप लोग को।